हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल यू गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बबल सॉर्ट मेथड से कैसे एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट मेथड से एरे को सॉर्ट करना बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि सॉर्टिंग होता क्या है। कि सपोज करो आपके पास कोई एरे दे रखा है कुछ इस तरीके से, मैं कुछ रैंडमली कुछ एरे ले रहा हूँ। ओके, सपोज करते हैं हम लोग पास एरे है कुछ इस तरीके से 3, 2, 1, 6, कुछ रैंडमली मैं एलिमेंट्स इसके ले लिया हूँ। नाउ इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम इसे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक ऑर्डर के फॉर्म में लिखना जो होता है वो सॉर्टिंग होता है। तो कुछ इस तरीके से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, कुछ इस तरीके से 1, फिर आएगा हमारा उसके बाद उससे बड़ा 2, 3, फिर हमारा 6 एंड देन 7। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो कैसे करते हैं इसके लिए आज हम लोग यूज करने वाले हैं बबल सॉर्ट मेथड। बबल सॉर्ट मेथड से अपने एरे को सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बबल सॉर्ट मेथड होता क्या है। तो यहाँ पे देखो एक एरे है, इस एरे में देख सकते हो 8, 5, 2, 6, 12 एलिमेंट्स हैं। ये अनसॉर्टेड एरे है। तो यहाँ पे देख सकते हो अनसॉर्टेड एरे का मतलब यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा एरे नहीं है। तो इसे अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, 2, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12। तो हमें यहाँ पे 8 को कहाँ पे ले जाना होगा, 12 से पहले लाना होगा, क्योंकि 6 के बाद 8 एंड देन 12 आएगा हमारा आउटपुट। तो 8 हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो बबल सॉर्ट मेथड में क्या होता है कि हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है, जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है उसे आप पकड़ के उसके राइट पोजीशन जो सॉर्टिंग ऑर्डर में होगा वहाँ पे लेके जाना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने पहले इंडेक्स पे यानी कि जीरो जो है, जीरो पहला इंडेक्स यानी कि जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारा, 8 है। तो 8 को बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करो, और अगर हमारा 8 अपने अगले एलिमेंट से बड़ा होता है तो क्या करेंगे हम लोग, 8 को स्वैप कर देंगे। जब हमारा स्वैपिंग होगा तो देखो यहाँ पे 8 को हम लोग पहले 5 से कंपेयर करा, हमारा 8 बड़ा आया तो हम लोगों ने दूसरे वाले एरे में देख सकते हो यहाँ पे 5 को पहले लिखा, 8 को बाद में, यानी कि स्वैप कर दिया। अब फिर से हम लोग इस 8 को अपने अगले एलिमेंट 2 से कंपेयर करेंगे, अगेन 8 हमारा बड़ा है 2 से, तो हम लोग इसे फिर से स्वैप करेंगे। अब हो जाएगा 5, 2, 8 एंड देन 6, 12। फिर से देखेंगे इस 8 को कंपेयर करेंगे 6 के साथ, 6 को कंपेयर करा तो क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 8 फिर से बड़ा है तो फिर से स्वैप कर दिया। तो अब हमारा एरे बन चुका है, फोर्थ एरे जो है 5, 2, 6, 8, 12। तो यहाँ पे अब 8 हमारा सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है अभी, बट अगर मैं फिर से कंपेयर करूंगा 12 के साथ, इस बार हमारा 8 जो है 12 से छोटा है, इसका मतलब ये अपने राइट पोजीशन पे आ चुका है जो आउटपुट में हमारा सॉर्टिंग फॉर्म में रहेगा। इसी तरीके से अब मैं अपने 5 को भी करूंगा। तो अगर ये देखो ये जो पहला रिजल्ट जो हमारा आफ्टर इटरेशन 1 देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन था जिसमें हम लोगों ने 8 को उसके राइट पोजीशन पे लाके छोड़ा है। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स को भी करना होता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे फिर अगली बार में 5 को कंपेयर करेंगे, 5 को चेक करेंगे, 5 को ऐसे ही 2 के साथ देखेंगे, अच्छा 5 हमारा बड़ा है स्वैप कर दो। तो स्वैप करने के बाद क्या गया, 2, 5, 6, 8, 12 इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। तो ये लॉजिक होता है, इस तरीके से बबल सॉर्ट मेथड अप्रोच लगाया जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लेता हूँ जिससे कि हम लोग यूजर से अपने एरे को लेंगे। ओके, इंपोर्ट java.util.scanner लिख लो या फिर स्टार लिख लो। स्टार लिखने से क्या होता है कि आपके पास यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी कुछ होते हैं सारा कुछ आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद मैं इस कॉमेंट को हटा देता हूँ, अभी इसकी यूज हमें, इसकी बात हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन। ओके, नाउ हम लोगों ने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एरे के साइज को सबसे पहले बताना होगा कि हमारा जो एरे बना रहे हैं उसकी साइज क्या होगी। तो इसके लिए पहले हम लोग यूजर से साइज पूछने वाले हैं, तो हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, एंटर द साइज ऑफ एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने साइज को साइज वाले वेरिएबल बना लेता हूँ कि हमारा साइज जो होगा एन होगा, एन कोई सभी नंबर हो सकता है जो एरे की साइज को बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, sc.next_int। अब यहाँ पे हम लोगों ने एरे के साइज को ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एरे को क्रिएट करेंगे। तो एरे को क्रिएट कर लेते हैं, एरे इंटीजर ए नाम का एक एरे बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं न्यू इंट और एरे के साइज को बता देता हूँ कि एरे के साइज हमारा क्या है, एन है। ओके, एरे के साइज बना लिया। अब मैं यूजर से एरे के एलिमेंट्स पूछने वाला हूँ, तो मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ कि सिस आउट, अभी बस हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बहुत ही सिंपल सा काम, अभी हम लोग लॉजिक नहीं क्रिएट कर रहे हैं बबल सॉर्ट का। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंटर एरे एलिमेंट्स। ओके, एरे के एलिमेंट्स, तो इसके लिए मैं फॉर लूप यूज करूंगा जो हमारा चलेगा इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से लेके
आई लेस देन एन, या फिर ए डॉट लेंथ भी लिख सकते हो आप चाहो तो, आप इसे ये भी लिख सकते हो ए डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा लूप जो चलेगा अगर एरे की साइज एन है तो एन माइनस वन तक चलेगा, जो एरे का मैक्सिमम इंडेक्स होगा। ओके उसके बाद आई प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने एरे के एलिमेंट्स को ले लेता हूँ, तो ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हम लोग स्कैनर क्लास की हेल्प से अपने यूजर से एरे के एलिमेंट्स को ले लिया। तो ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे बबल सॉर्ट का लॉजिक लगाना है। बबल सॉर्ट में क्या होता है, अभी देखो जैसे हमारे पास एरे था कि 8 था, फिर हमारे पास कुछ भी था, सपोज करते हैं अब मैं वहाँ पर जाके वापस वही देखना नहीं चाहता हूँ, ये हमारे पास एक एरे है। ओके तो यहाँ पे हमें क्या है, 8 जो है सबसे बड़ा है, तो हमें करना क्या है, 8 को अपने बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है और इसके राइट पोजिशन पे लाना है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 3 7 8। तो 8 हमारे कहाँ पर जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। ओके तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाते हैं जहाँ पे हम लोग बारी बारी से हर एक एलिमेंट को उठाएंगे इस एरे से और उसे अपने अगले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। उसके लिए हम लोग एक और फोर लूप लगाएंगे, वो क्या होगा अभी देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर लूप लगा रहा हूँ, फोर लूप लगा लेते हैं एक, फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। अब इस फोर लूप के अंदर देखो ये जो फोर लूप क्रिएट कराया हम लोगों ने, ये क्या है, इंडेक्स जीरो से लेके n माइनस वन तक चलेगा, यानी कि n माइनस वन अगर एरे की साइज 4 है तो इस एरे में मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, तो 0 से लेके 3 तक, तो यहाँ पे 0 से लेके n माइनस वन इंडेक्स तक चलेगा। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, ये बारी बारी से इस एरे से हर एक एलिमेंट को उठाएगा और अपने अगले वाले से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद अगर हमारा 8 हमारा जैसे यहाँ पे 3 से बड़ा है तो यहाँ पे स्वैप कर देंगे। तो कंपेयर करने के लिए एक और फॉर लूप लगाना होगा कि 4 इंटीजर i इक्वल टू, अब यहाँ पे i नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों ने i यूज कर लिया है, j इक्वल टू जीरो। अब देखो j इक्वल टू मैं क्या लूंगा, यहाँ पे लॉजिक ये होता है कि ये देखो ये जो 8 है हमारा, ये 8 क्या है हमारा 3 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 को स्वैप कर देंगे। जब हमारा तो अगली बार में क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा हमारा एरे, ये हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 8 हो जाएगा एंड फिर उसके बाद हमारा आएगा 2 और 7। फिर अगली बार में क्या होगा, अभी मैं कॉमा वामा नहीं लगा रहा हूँ और कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, हटा दूंगा सभी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस 8 को फिर से 2 के साथ कंपेयर करूंगा, यानी कि 3 8 और 8 और 2 को कंपेयर करूंगा, 8 बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा एंड देन 7। और अगली बार में क्या हो जाएगा हमारा, इसी तरीके से हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 3 2 7 8। तो हम लोगों ने 8 को इसके राइट पोजीशन पे डाल दिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिर अगली बार में 3 को लेके उठाएंगे, 3 को बाकी के साथ कंपेयर करेंगे, 7 को उठाएंगे, जो मैक्सिमम होता है उसको उसके राइट पोजीशन पे पहले पहले डालना होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा कि 3 को यहाँ पे जो 8 है इसको सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब मैंने यहाँ पे ये पहले वाला जो फोर लूप लगाया, ये क्या करेगा, एरे इंडेक्स 0 पे जो है 8 उसे उठाएगा और बाकी के साथ कंपेयर करना है। उसके लिए मुझे एक और एलिमेंट लेना, एक और फोर लूप लेना है जो क्या करेगा, वो हम उसके हेल्प से बाकी सारे एलिमेंट के साथ अपने इस एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे। ओके तो बाकी सारे देखो 0 को 8 को अगर हमें करना है कंपेयर अगले वाले से, तो हम लोग अपना लूप जो चलाएंगे ये वाला, ये हमेशा चलेगा कहाँ से, आई प्लस वन से चलेगा, क्योंकि जब हम लोग 8 को सॉर्ट कर देंगे, 8 का कंपेरिजन कर रहे हैं तो 8 के अगले वाले से ले रहे हैं, समझ लो बात, 8 को कंपेयर कर रहे हैं 3 से, तो 0 इंडेक्स वाला जो है 1 से स्टार्ट होगा कंपेयर करना। इसी तरीके से जब हम लोग 8 को सॉर्ट कर लेंगे तो अगले बार में मान लो 3 पे आते हैं, 3 को आप सॉर्ट करना है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, उसके अगले वाले से कंपेयर करेंगे, पीछे वाले नहीं देखना होता है हमें। तो 3 को जब हम लोग सॉर्ट करेंगे तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से अगले वाले से कंपेयर करेंगे, तो हमेशा ये जे जो होगा आई प्लस वन ही होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इन सबको हटा लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, तो क्योंकि कमेंट नहीं था वो। अब यहाँ पे देखो j इक्वल टू आई प्लस वन, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, j लेस देन एन एंड देन j प्लस प्लस। अब देखो ये एरर हट गया, वो एरर बस दिखा रहा था क्योंकि हम लोगों ने पूरा लिखा नहीं था कोड। अब यहाँ पे ये करने के बाद हम लोग क्या करा रहे हैं कि ये जो अब ये देखो ये लॉजिक देखो कि पहले क्या करेगा इस फोर लूप में, नेस्टिंग ऑफ लूप अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई इक्वल टू जीरो लेंगे, 8 को हम लोग बाकी सारे एलिमेंट से इस जे वाले लूप में जाके बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर कर लेगा 8 को, जैसे जैसे होता जाएगा। अब हमें करना क्या है, अगर हमारा 8 3 से बड़ा है तो 8 को स्वैप कर दो 3 के साथ, अगर फिर उसके बाद अगले वाले में ऐसे ही होता जाएगा स्वैपिंग करते जाना है, अगर हमारा पहले वाला एलिमेंट अगले वाले से बड़ा है तो। ओके तो करते हैं स्वैप करते हैं, इसलिए हम लोग एक इंटीजर टेम्प नाम का वेरिएबल बनाते हैं। स्वैपिंग आई होप आपको आता होगा, नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। टेम्प में हम लोग अपने एजे को स्टोर करा लेते हैं एरे ऑफ जे, और इसके बाद हम लोग क्या करा रहे हैं, इंटीजर
इंटीजर नहीं लिखना है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एरे को डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया। इंटीजर टेम्प इक्वल टू एजे है। अब मैं क्या करूंगा, अपने एजे को एआई बना दूंगा। स्वैपिंग मतलब यही होता है ना, एजे इक्वल टू एआई कर देता हूँ। ओके, ये करने के बाद अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, एआई को टेम्प कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे सीधे ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें स्वैप करना है, यानी कि एजे को एआई बनाना है और एआई को एजे बनाना है, तो मैं सीधे क्यों नहीं लिखता कि एजे इक्वल टू एआई एंड एआई इक्वल टू एजे, क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने ये जब इंटीजर टेम्प इक्वल टू एजे देख रहे हो, इसके नीचे वाला देखो एजे इक्वल टू एआई, तो यहाँ पे एजे को अगर मैं एआई कर दिया, अब अगर मुझे एआई को एजे करना है, तो जब हम एआई इक्वल टू टेम्प ना लिख के एआई इक्वल टू एजे करेंगे, तो एजे जो होगा ये हमारा अब पुराना वाला एजे नहीं रहेगा, बिकॉज हमने ऊपर में क्या कर दिया है, हम लोगों ने एजे इक्वल टू एआई लिख दिया, तो एजे हमारा एआई ही है, एआई इक्वल टू एआई हो जाएगा जब हम लोग एआई इक्वल टू एजे करेंगे यहाँ पे थर्ड वाले में। तो इसीलिए टेम्प में हम लोग पहले स्टोर करा देते हैं अपने एजे को, जिससे कि हम उसको पुराने वाले एजे को यूज कर सके स्वैप करने टाइम पे एआई में, उस वैल्यू को स्टोर करा सके। तो ये हम लोगों ने करा, तो यही है बबल सॉर्ट का लॉजिक। अब ये हमारा कोड तैयार हो चुका है, अब हमें इसे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करा लेते हैं इसे। प्रिंट कराने के लिए मैं पहले तो प्रिंट नहीं, हाँ ओके, तो यहाँ पे एक और चीज करना है हमें कि देखो, यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर टेम्प इक्वल टू एजे ये जो स्वैप करा है, कब स्वैप करना है ये तो लॉजिक लिखा नहीं हम लोगों ने, तो ये भी करना है ना कि अगर हमारा ये जो 8 है, अगर हमारा अगले वाले से बड़ा है तब स्वैप करेंगे, ऐसे ही स्वैप तो नहीं कर दोगे ना। तो इफ एजे इज ग्रेटर देन, सॉरी एआई इज ग्रेटर देन एजे, अगर हमारे पास एआई जो है वो ग्रेटर देन एजे है, तब हमें ये स्वैपिंग करनी है। ओके सॉरी, तो तब हमें ये करना है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे समझो, कि इफ ए आई इक्वल टू एज ग्रेटर देन एजे, यानी कि अगर हमारा पहले वाला जो है वो अगले वाले से बड़ा है तब स्वैप करना है। हमेशा ऐसे नहीं कि अपने मन से स्वैप कर दो, ऐसा नहीं है, जब हमारा पहले वाला अगले वाले से बड़ा होगा तब तक स्वैप करना है, जो हम लोगों ने बबल सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को समझा था तब देखा था। ओके, तो ये हमारा कोड रेडी हो चुका है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एरे को प्रिंट करा लेते हैं। तो एक फॉर लूप चलाता हूँ मैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। नाउ सिस आउट कंट्रोल स्पेस और अपने एरे को प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये कुछ कोड है, आप देख सकते हो ये हमारा कोड रेडी हो चुका है। नाउ इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एंटर द साइज ऑफ एरे, एरे की साइज 4, एंटर एलिमेंट्स, मैं कुछ रैंडमली एलिमेंट्स ले लेता हूँ 3, 4, 1, 2। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 3, 4, 1, 2 लिए हैं तो 1, 2, 3, 4 आना चाहिए। क्या आ रहा है देखो, 1, 2, 3, 4 देख सकते हो, कुछ हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एरे को सॉर्ट करते हैं यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देख लो ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आया। अगर आप चाहो तो कुछ और आप ले सकते हो वैल्यूज़, इंटर द साइज ऑफ एरे, मैं ले लेता हूँ इंटर द साइज ऑफ एरे में 3, और मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ 45, 23 एंड देन 167। आउटपुट देखो 23 पहले हो गया, 45 बाद में, उसके बाद 167, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एरे को सॉर्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस कोड को अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से देख लो कैसे होता है ये काम, और लॉजिक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय।